हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना। यानी आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से एक या दो नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं हम आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना, कैसे इसको ज्ञात करते हैं और कैसे इसे निकाला जाता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवर्त क्या होता है, आवर्त के विषय में क्या बताया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है कि आवर्त, पीरियड कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो अंतिम उपकोश की सबसे बड़ी संख्या या स्मॉल एन का सबसे बड़ा मान क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। यानी आवर्त के लिए, आवर्त निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि अंतिम उपकोश की सबसे बड़ी संख्या, अंतिम आपको पता है कि अंतिम उपकोश की सबसे बड़ी संख्या, इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको नहीं आता है तो ये आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना ही आना चाहिए। तो पहले आप उसको सीख लीजिएगा, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उसको सीखिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अंतिम उपकोश की सबसे बड़ी संख्या, तो लास्ट वाले उपकोश के सबसे अंतिम उपकोश जो होता है उसकी सबसे बड़ी संख्या को लेना है, या फिर उसी को कहते हैं कि स्मॉल एन का सबसे बड़ा मान, जो स्मॉल एन का सबसे बड़ा मान होगा उसको ले लेंगे। उसके बाद ब्लॉक में आपका लिखा हुआ है, ब्लॉक में लिखा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करता है वही उसका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में प्रवेश, जिस उपकोश में प्रवेश किया है, तो जिस भी उपकोश में जाएगा वही उपकोश क्या हो जाएगा, उस तत्व का ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद वर्ग लिखा हुआ है, ग्रुप, ग्रुप को कैसे निकालेंगे, तो वर्ग से पहले आवर्त व ब्लॉक ज्ञात करना होगा। यानी हमें क्या करना है कि अगर वर्ग निकालना है तो इससे पहले आवर्त और ब्लॉक आपको पता होना चाहिए, तभी आप वर्ग को निकाल सकते हैं। देखिए कुछ जो हल्के फुल्के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एलिमेंट्स के निकालने के लिए होता है तो उसमें आप केवल विन्यास लिख करके बता सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट का, मतलब हार्ड एलिमेंट कोई आ जाए उसको निकालने के लिए आपको ये सब आना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल वाले तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि विन्यास लिख लिया और वहां से देख लिया इलेक्ट्रॉन और वहां से ब्लॉक और वर्ग ऐसे बता दिया, लेकिन जब कोई थोड़ा सा हार्ड प्रश्न उसी में से बना दिया जाएगा, कोई जटिल एलिमेंट कहीं से उठा करके आपको दे दिया जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा हो, उसको आप कैसे करेंगे। ये नियम आपका चाहे हार्ड हो चाहे सरल हो ये सभी पर काम करेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये वर्ग निकाल करके दिखाएगा। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि वर्ग से पहले आवर्त व ब्लॉक ज्ञात करना होगा। तो मान लिया आवर्त और ब्लॉक आपने ज्ञात कर लिया, अब वर्ग निकालना है, तो वर्ग कैसे निकालेंगे, तो हमें ब्लॉक पता चल गया है, ब्लॉक के सहारे हम क्या करेंगे, ब्लॉक की तुलना में करके हम वर्ग को निकाल सकते। सबसे पहले यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि एस ब्लॉक, एस ब्लॉक आपने निकाल लिया कि ब्लॉक किसी तत्व का क्या है, एस है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ब्लॉक अगर एस है तो उसका विन्यास हम देखेंगे कि कितना है, उसके पास एस कोश होगा, एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर एस उपकोष में वन इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग उसका कौन हो जाएगा, एक। देखिए आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें संख्याएं भी लिखी है 1 2 3 4 और उसमें रोमन डिजिट भी लिखी हुई है, तो उसमें जो वर्ग आपका पहला है उसके लिए रोमन डिजिट में फर्स्ट ए भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर या तो वर्ग वन लिखा होगा ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर फर्स्ट ए ऐसे भी लिखा हुआ आपको एग्जाम में मिल सकता है, या ऐसे भी आपकी पीरियडिक टेबल में लिखा हुआ है। तो एन एस अगर वन आया तो वर्ग कौन सा होगा, पहला या फर्स्ट ए, ये रोमन डिजिट में है और ये संख्याओं में है ऐसे वर्ग। उसके बाद यदि आपका विन्यास कैसा है, एन एस टू है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, तो उसका जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा, दूसरा वर्ग होगा, और उसमें जो रोमन संख्याओं में हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ए हो जाएगा, ये रोमन डिजिट में। तो हो सकता है कि रोमन डिजिट लिखी हुई हो या केवल केवल ये संख्या लिखी हुई हो, तो ये हमारा एस ब्लॉक के लिए होता है नियम। उसके बाद सेकंड हमारा जो आ जाता है वो है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हमने निकाल लिया किस तत्व का, कि ब्लॉक कौन सा आया पी, तो उसका वर्ग कैसे पता करेंगे, तो पी ब्लॉक में वर्ग पता करने के लिए वर्ग बराबर 12 प्लस यानी 12 प्लस अंतिम पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी पी ब्लॉक पता चल गया, तो पी ब्लॉक में हमें जब वर्ग निकालना होगा तो 12 प्लस अंतिम उपकोष, जिसमें अंतिम पी उपकोष कौन सा उपकोष रखना है, तो पी वाला रखना है क्योंकि पी का निकाल रहे हैं ना, तो पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या ध्यान रखिएगा कि पी कोष को लेना है और किसी कोष को नहीं लेना है, और पी भी कौन सा लेना है, अंतिम वाला, सबसे लास्ट वाला। तो ध्यान रखिएगा पी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 12 में हम पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ब्लॉक का वर्ग मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक में किसी तत्व का हमने ब्लॉक निकाल लिया, इसका ब्लॉक कौन सा है, डी है। उसका वर्ग कैसे निकाल लेंगे, तो वर्ग निकालने के लिए इसमें हो जाएगा 2+ अंतिम डी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 2+ कितना कर देंगे, 2+ अंतिम डी कोष। तो लास्ट वाला जो डी कोष होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देंगे, 2 में ऐड कर देंगे और डी ब्लॉक में हमें वर्ग पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आवर्त, ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करने के लिए इन नियमों को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं और जान लेते हैं। इनको ध्यान से पढ़िएगा, इनके माध्यम से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक ब्लॉक, जो हमारा एक ब्लॉक बचा हुआ है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बता देता हूं आपको एफ ब्लॉक के लिए। देखिए मैंने तीन आपको बता दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ऊपर मैंने एफ ब्लॉक के लिए लिख दिया है। तो एफ ब्लॉक में क्या होगा कि कभी भी एफ ब्लॉक के लिए जब आप ब्लॉक याद कर लेंगे तो वर्ग आपको हमेशा याद रखना है कि एफ ब्लॉक के लिए जो वर्ग होगा वो कौन सा वर्ग होगा, तीसरा वर्ग होगा। और अगर रोमन डिजिट में लिखा हुआ होगा थर्ड भी लिखा हुआ होगा ऐसे, यानी संख्याओं में ऐसे लिखा होगा और रोमन अंकों में थर्ड भी वर्ग हो जाएगा एफ ब्लॉक का। उसके बाद ये क्या है, आवर्त। यदि आपका जो तत्व का परमाणु क्रमांक है वो 57 से 71 के बीच में आपको दिया गया है तो वो हमारा जो आवर्त हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आवर्त छठा हो जाएगा। 6 नंबर देखिए आवर्त के सामने लिखा होगा, कब, जब परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 के बीच में हो तो आवर्त कौन सा होगा, छठा हो जाएगा। उसके बाद 89 से लेकर 103 के बीच में हो तो आवर्त आपका कौन सा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। तो ये है एफ ब्लॉक के लिए। इनको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखना आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो वही मैंने क्रम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम यहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने लिखा हुआ है कोषों के अनुसार 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, और फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, फिर 8s। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है, हम जितने भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसी क्रम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 1s से चालू हुआ और 8s तक, अब इससे ज्यादा आगे आपका विन्यास नहीं होता है। इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे, ये याद कैसे होगा, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्रम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आप क्रम है, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए मैं इसके क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। कुछ तत्वों के आवर्त, ब्लॉक और वर्ग, यानी पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, पबजी, पीबीजी कहते हैं इसको, चलिए निकाल लेते हैं हम यहाँ। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, पहला हमारा जो है पोटेशियम है, पोटेशियम ले लिया मैंने के। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक जरूरी नहीं कि आपको दिया ही जाए। मैंने केवल तत्व देकर के पूछ लिया कि किस ब्लॉक का, किस आवर्त का, किस वर्ग का तत्व होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ये इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 19 होता है, 19। तो ये हो गया 19, परमाणु क्रमांक 19 यहाँ लिखा जाता है, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। अब सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको पूरा रटा हुआ हो, सब जितने भी तत्व हैं आपको सभी याद हो पूरी तरीके से, पूरी पीरियड केवल आपको याद हो, तब आप कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, तो ऊपर क्रम लिखा हुआ है मैंने, इसी क्रम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखिए एक बात मैं और करता हूँ आप लोगों को, कि जो हमारे ये उपकोष हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है, चार ही उपकोष होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जहां जहां पर एस होगा उसमें हम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2। जहां जहां पर पी होगा उसमें अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6। और जहां पर डी होगा वहां अधिकतम 10, और जहां पर एफ होगा वहां अधिकतम 14। यानी इनसे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, इनमें कम भर सकते हैं। जैसे एस में 2 भर सकते हैं, तो एस में 3 नहीं भर सकते, 2 से
कम भर सकते, एक हो सकता है लेकिन तीन नहीं होगा। पी में छह हो सकते हैं लेकिन सात नहीं होंगे। पांच हो सकते हैं, जिस संख्या से यानी जिस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे उसकी संख्या कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो चलिए देख लेते हैं चालू कहां से करना है। चालू का नियम ये लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा इस क्रम को। तो कहां से लेंगे, 1s से लिखेंगे, 1s, s में अधिकतम कितने आ सकते हैं, दो, तो 1s 2 हो गया। उसके बाद 2s, यहां भी s है, s में दो अधिकतम आ सकते हैं, तो 2s 2 हो गया। उसके बाद 2p आया, p में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6, तो यहां पर लिख लेते हैं 2p 6। यहां तक लिखा तो जरा गिन लीजिए, जितना हमारा परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे, है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हो जाती है परमाणु क्रमांक, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना 19 है, अभी मैंने फिर कितना किया हुआ है, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 6, 4, 10, यानी यहां तक कितना हो गया, 10 फिल हो गया है। और फिल कितना करना है, तो 19 यानी 19 करना है, तो 10 यहां तक हो गया। उसके बाद T के बाद कौन, 3s आएगा, तो 3s, s में कितना आएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, यहां पर लिख लेते हैं 2। उसके बाद 3p आया है, 3p, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर लेते हैं इसमें, तो 6, लेकिन बार बार इसको गिनते रहिएगा कि 19 से ज्यादा ना भर जाए, ये भी ध्यान रखना है कि 19 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, गिन लीजिएगा। तो यहाँ तक 10 हो गए, 10 दोबारा और 6 18 हो गया। उसके बाद 3p के बाद 4s आएगा, 4s लिख लेते हैं यहाँ, 4s, ये इसका विन्यास हो गया। अब इसी विन्यास के आधार पर मुझे इसका आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आवर्त के लिए, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि अंतिम उपकोष का सबसे बड़ा मान या n का सबसे बड़ा मान या अंतिम उपकोष की सबसे बड़ी संख्या, अंतिम उपकोष इसमें कौन है, तो अंतिम उपकोष इसमें आपका कौन सा, ये चौथा उपकोष है, अंतिम उपकोष कौन सा है, चौथा, और चौथे में हमारा जो सबसे बड़ा मान आया वो कौन सा है, 4 है, यानी आवर्त इसका क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। हम ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक, फिर ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक कैसे हमें निकालना है, तो हमने बताया था आपको कि इससे पहले आपको क्या करना होगा कि देखना होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, ये 1, तो 1 कहाँ गया है, 1 गया है एस में, यानी इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो एस ब्लॉक हो जाएगा, यानी इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एस। आवर्त कौन सा हो गया, तो चौथा आवर्त हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, तो एस ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम इसका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको पीछे एस ब्लॉक के लिए वर्ग कैसे निकाला जाएगा वो मैंने सिखाया था, मैंने आपको लिखाया था एस ब्लॉक के लिए, अभी पीछे दिखाया था कि एस ब्लॉक के लिए एन एस 1 होगा, तो इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 1 या फर्स्ट ए, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। एन एस अगर 1 होगा तो यहाँ पर देखिए कितना 4s 1 है ना, 4s 1, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, पहला, यानी वर्ग कौन सा हो जाएगा, पहला, या ये नहीं लिखा होगा तो रोमन डिजिट में लिखा हुआ होगा फर्स्ट ए, ये रोमन डिजिट में इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से हमने पोटेशियम का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं, अगला एलिमेंट मैंने ले लिया है सेलेनियम। अब सेलेनियम इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 34 होता है, 34, यानी परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 34। तो परमाणु क्रमांक तो मुझे पता चल गया कि 34 होगा, मुझे याद था, आप याद कर लीजिएगा। तो सेलेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 34 है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर चालू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम, तो ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो चालू कहाँ से करेंगे, यही 1s से चालू होगा, हमेशा चालू कहाँ से करना है, 1s से, और ऐसे बढ़ते जाना है धीरे धीरे। तो 1s, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 आ सकते हैं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। तो 1s कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 2s लिखा हुआ है, 2s लिख लेते हैं, 2s, यानी जहां जहां पर एस है वहां वहां पर कितना आएगा, 2। उसके बाद 2p, p में कितने आ सकते हैं, तो 6, तो 2p 6 हो गया।
तो पी सिक्स हो गया, उसके बाद थ्री एस आया है, तो थ्री एस एस में कितने हो सकते हैं, दो, तो थ्री एस टू हो गया। उसके बाद फोर एस आया है, तो थ्री एस थ्री पी आया है, थ्री एस के बाद थ्री पी है, तो थ्री पी सिक्स हो गया। उसके बाद थ्री पी के बाद कौन आएगा, फोर एस, तो फोर एस कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, एस में दो रह सकते हैं, तो फोर एस टू हो गया। उसके बाद थ्री डी टेन। अब जरा एक बार गिन लेते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक है उससे ज्यादा तो नहीं नंबर लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन भर दिया है उसमें, जरा एक बार गिन लेते हैं, तो दो दो चार चार दस, दो बारह छह अठारह, अठारह और दो बीस और दस तीस, यानी यहां तक तीस हो गए। आज जब विन्यास लिखिएगा तो बीच बीच में गिन लीजिएगा कि कहीं परमाणु क्रमांक से ज्यादा तो नहीं फिल कर दिया है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 3d 10 हो गया। उसके बाद हमारा कितना बचा, यहां तक 30 हो गया, भरना कितना है 34, यानी चार बचा हुआ है, तो चार बचा हुआ, तो वो अगले उपकोष हमारा कौन सा है, 3p 4, ये हमारा हो गया 3d हो गया, और 3d के बाद कौन आएगा, 4p आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ क्रम में, तो कौन सा आएगा, 4p। अब 4p में कितना भरना होगा, तो यहां तक 30 हो गया है, बचे कितने हैं, तो 34 भरना है ना, 30 हो गया तो बचा कितना, 4, यानी 4p में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आवर्त, आवर्त पीरियड, तो आवर्त के लिए क्या करेंगे, आवर्त के लिए अंतिम उपकोष की सबसे बड़ी संख्या या इनका सबसे बड़ा मान, तो अंतिम उपकोष देखिए और उसकी सबसे बड़ी संख्या देखिए, तो अंतिम उपकोष में कौन सा है, ये चौथा है, अंतिम उपकोष यही तो होगा चौथा, तो चौथे उपकोष में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यही 4 है, 4 है, तो यही क्या ले लेंगे हम आवर्त में, ये संख्या ले लेंगे हम इसको 4, यानी ये वाला हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या है ना अंतिम उपकोष की। हमने आवर्त की परिभाषा में यही देखा है कि अंतिम उपकोष की सबसे बड़ी संख्या क्या बताती है, उसका आवर्त बताती है, तो एन की आवर्त कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लॉक के लिए क्या होगा, आप पीछे भी परिभाषा देख लेते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता, देखते हैं जरा कौन से उपकोष में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 34 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पी में गया है। अगर आप इसका ऑर्बिटल कक्षक बना करके भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप देख लेंगे कि पी में ही अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां, पी में ही गया है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में, यानी इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा, ये निकाल दिया मैं इसका ब्लॉक। उसके बाद वर्ग, वर्ग अब इसका देखिए ब्लॉक पता चल गया पी ब्लॉक होगा। अब पी ब्लॉक के लिए मैंने अभी आपको पीछे लिखाया था कि पी ब्लॉक में जब हमें वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 12 प्लस अंतिम पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 12 प्लस अंतिम पी उपकोष, ध्यान रखना है अंतिम पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस अंतिम पी उपकोष, अंतिम पी उपकोष कौन सा, ये 4p4 है ना, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं इसमें, 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा जो वर्ग फोर्थ ए ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसका आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगले एलिमेंट का निकालकर दिखाता हूं। तो चलिए देख लेते हैं, अगला मैंने जो एलिमेंट लिया है वो डी ब्लॉक से लिया है, और इस एग्जांपल को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एग्जांपल क्या है, कॉपर है, जो कि इफ सेक्शनल क्या है आपका, अपवाद है इसका कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता होगा, मैं बता देता हूं। देखिए कॉपर का अगर विन्यास लिखने के लिए कहता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑर्डर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। तो जब इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो यहाँ 29 परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3p के बाद क्या आएगा, 4s2, फिर 3d क्या हो जाएगा, ये 4s1 होता है, और फिर 3d10। देखिए ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो लिखा जाता है, लेकिन यहाँ आपको इसका आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करने के लिए जब कहा जाएगा तो जो अपवाद वाले एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे है, लेकिन जब इसका आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाएगा तब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तब आप यहाँ पर 1 न लिख करके यहाँ पर लिखेंगे
टू और यहाँ पर टेन लिख करके लिखेंगे नाइन, उस कंडीशन में ये लखन विन्यास सही होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका आवर्त बड़ा वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आवर्त, आवर्त आवर्त के लिए अंतिम उपकोष की सबसे बड़ी संख्या, जरा अंतिम उपकोष देखते कौन सा है हमारा, तो 4s और 3s, तो 3 से बड़ा कौन है, 4 है, यानी बाहरी क्या होगा, 4 हमारा क्या होगा, बाहरी कोष होगा ना, देखिए संख्या में 4 वाला है ना, तो 4 क्या होगा, 3 अंदर वाला कोष होगा और 4 क्या होगा, ये 12 वाला 4, यानी अंतिम कोष की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अंतिम कोष की बड़ी संख्या जो हमारी है वो है 4, 4 है ना, तो ये हो गई हमारी 4। उसके बाद हम लिख लेंगे ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, उसका ब्लॉक कह देते हैं। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, हमारा 3d9 में गया है, ये d देख रहा है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, d में है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ब्लॉक इसका आपका हो जाएगा d, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है उसे उसका क्या कहते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक हमारा कौन सा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, देखिए 3d में गया है, तो 3 ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, d ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं वर्ग को, देखिए डी ब्लॉक पता चल गया तो वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वर्ग निकालने के लिए 2 प्लस अंतिम डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी अंतिम डी उपकोष में ध्यान रखिएगा अंतिम डी उपकोष कौन सा, यही है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 में जोड़ देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग 2 प्लस 9, डी में कितने 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये इसका जो वर्ग निकल आया वो 11, या हो सकता है कि रोमन डिजिट में आपको फर्स्ट बी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या था कि ये अपवादी एलिमेंट था, अपवाद था तत्व तो का, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कैसे लिखना पड़ा, ऐसे लिखना पड़ा। तो इस प्रकार से आप क्रोमियम वगैरह है या जो भी अपवादी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एस पी और डी तीनों ब्लॉक के एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया है। आप एफ ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक का देखते ही पता चल जाएगा, कोई हाइयर प्रमाण क्रमांक का आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक का कोई भी तत्व आएगा वर्ग 3 हो जाएगा, 57 से 71 के बीच में उसका प्रमाण क्रमांक, तो आवर्त कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 89 से 103 के बीच में तो आवर्त कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तत्वों का आवर्त ब्लॉक और वर्ग निकालना सीख लिया है। आप अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।